हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी एएसआई की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ में संक्षेप में आपको जो नोटिफिकेशन की जानकारी है वो मैं आपको दिखा दूंगा। इससे मैंने पहले आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी दे चुका हूँ, तो फ्रेंड आप वो जाके दे सकते हैं। फ्रेंड तो अब इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती निकली है। ठीक है, तो फ्रेंड इन सब की बात से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में, इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पर चलते हैं, फिर इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की आपकी पुरुष एवं महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लान टू कमांडर पीएससी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों की सीधी भर्ती निकली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित यूआर कैटेगरी में आपकी वैकेंसी, इकोनॉमिक सेक्टर में 10%, अन्य पिछड़ा में यहाँ पे आपको देख सकते हैं टोटल 9000 पदों पर भर्तियां निकली है, जिसमें 2% आपके स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, 20% महिलाओं के लिए वैकेंसी है। ये आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो अन्य वैकेंसी है प्लान टू कमांडर पीएससी और जो आपकी जो वैकेंसी है उनके बारे में, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की वैकेंसी है उनके बारे में आपको ये नोटिफिकेशन में जानकारी देखने को मिल जाएंगी। इनके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, 1/4 से लेकर 30/4 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन सब की जानकारियां हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिटेल देंगे, 1/4 से 30/4 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको एडमिट कार्ड के लिए आपको जानकारी बाद में मिलेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसकी, इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क नंबर देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। टाइमिंग आपको देर के 9 से 6 बजे के बीच में आपको मंडे टू सैटरडे यहाँ पे आपको संपर्क करना है। ठीक है, तो आपकी हेल्प की जा सकती है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो नए उपयोगकर्ता है वो यहाँ पे करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस पे लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ लेने हैं ठीक से। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बता रहे, किस तरीके से करना है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको जेपीजी देखिए, फोटो आपका स्कैन फोटो का साइज यहाँ पे दे रहा है 11 से 30, सिग्नेचर का यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 10, आपका कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इनकम टैक्स आपका जो आ रहा है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इफ यूपी की डोमिसाइल है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से सर्टिफिकेट है आपको हाई स्कूल की, 12th की और ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट है उनकी डिटेल, बाकी आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में दे रखा है बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर डिटेल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रही है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ही आप चाहें तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है तो सेम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फीस की बात करें 400 रुपये फीस है, यहाँ पे कॉस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस की यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपकी जो पोस्ट है यहाँ पे पद के लिए आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे चुनना है मिस्टर है, आपका मेल है तो मिस्टर चुन रहे, तो यहाँ पे आपको देखिए उसी हिसाब से मेल आ जाएगा। अगर मैं मिसेज चुनता हूँ तो यहाँ पे आपको फीमेल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरफ से यहाँ पे रखा हुआ है एप्लीकेशन का पूरा नाम, ठीक है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एप्लीकेशन के फुल नेम यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। नेशनलिटी यहाँ पे आपको चुननी है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, उस वेरिफिकेशन को कैप्चा फिल करना, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सब उससे पहले सेंड ओटीपी करें, ओटीपी आपका आएगा, ओटीपी का बॉक्स यहाँ पे ओटीपी डालना है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रक्रिया है, इसको कंप्लीट करनी है आपको। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने ओटीपी के लिए मैंने इस पर सेंड किया तो यहाँ पे ओटीपी आ गया, जिन लोगों ने सुबह ट्राई किया होगा उनका यहाँ पे ओटीपी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मेरा ओटीपी आ चुका, मैंने भी सुबह ट्राई किया था यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो ज्यादा ट्राई ना करें तो आप थोड़े समय के लिए वेट कर लें, कुछ समय बाद फिर ट्राई करें। ठीक है, यहाँ पे मेरा ओटीपी जो आया है वो मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे समय चल रहा है उसी के अंदर आपको ये डालना है। वेरीफाई मोबाइल पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वेरीफाई हो चुका है, सबमिट पे मैं क्लिक कर दूंगा इस तरीके। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जिससे मैं कहीं पे अपने कंप्यूटर सेव कर लूंगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉग इन पे क्लिक करना है। ठीक, जिससे कि मैं दोबारा से लॉग इन कर सकूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। ठीक है, लॉग इन के लिए वहाँ पे मुझे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था और पासवर्ड जो मेरे को दिखाई दे रहा था वो यहाँ पे आपको डालना है।
ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन फिर से आ रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं नीचे आके, तो आपने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है उसके बाद, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है तो उस समय दोबारा से आपको चांस दिया जाए पढ़ने का, तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई देगी, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बताना है क्या यूपी के डोमिसाइल हैं, यस या नो कर सकते हैं। तो नो ही है तो नो कर दें, आपको उसको आपकी जो कैटेगरी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यूपी के हैं तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का लाभ मिल जाएगा, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यू आर ओबीसी इकोनॉमी सेक्टर, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने देखिए ओबीसी किया है, तो यहाँ पे आपको आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू वाइज आपको यहाँ पे उसका बताना है, उस किस अधिकारी द्वारा आपको यहाँ पे किया गया, जारी किया, आपको कब जारी किया गया उसकी डेट बतानी है, आपको क्रम संख्या बतानी है, प्रमाण पत्र आपका श्रेणी का कैटेगरी का आपको बताना है, ठीक है। अगर नहीं है तो यू आर में आप रख दें, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसके बारे में जानकारी किसने आपको जारी किया गया है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है आपको, सॉरी डेट आपने कब जारी कराया था उसकी डेट, और डोमिसाइल सीरियल नंबर है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है, ठीक है। तो ये जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पे पता क्या फ्रीडम फाइटर है, यस या नो करें। यहाँ पे आपको बता रहे स्वतंत्र सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, आप स्वतंत्र सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र संख्या और आपको करने वाले अधिकारी का नाम। यहाँ पे बताना है क्या आप पूर्व क्या आप यूपी सरकारी के कर्मचारी के आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, यस या नो कर सकते हैं। यस है तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश सरकार सेवा में शामिल होने की तिथि यहाँ पे आपको बताना है, आपको ज्वाइन किया था जिस समय उसकी जानकारी देनी है, डेट ऑफ आपको ईयर मंथ और डेट यहाँ पे आप बतानी है। एनओसी यहाँ पे आपको आप बताना है, एनओसी की डेट का आप कब मिली थी, आपका क्रमांक संख्या और किसने जारी करी थी, कौन अधिकारी है उसके बारे में, क्या आप एक्स सर्विस मैन है, यस या नो कर सकते हैं। ये सब आपका उसका नंबर देना है, तारीख सॉरी डेट ऑफ आपको बताना है, आप नामांकन की तारीख, डिस्चार्ज की तारीख यहाँ पे बतानी है आपको, यहाँ पे सर्विस ये काउंट हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बतानी है, यहाँ पे आपकी काउंट हो जाएगी, 1/7/2021 के अनुसार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपको उस कैलेंडर में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। ये जानकारी करने के बाद आपको देखिए आपको आ रहा है सेक्शन 3, आपके पिता का नाम, मदर का नाम, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपको दो एड्रेस की दो फाइल लाइन दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है आपका स्थायी पता किस स्टेट से है, तो मैं यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको जिला बताना है, कोई भी आपका जिला बता सकते हैं। आपको बताना है परमानेंट एड्रेस, सिटी, विलेज, टाउन, शहर का नाम, गाँव का नाम, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, यहाँ पे आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। इससे आपकी पूरी जानकारी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है आपको, देखिए वरीयता चयन करनी है, यहाँ पे आपको बताना है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सब जैसे मैं एसआई के लिए करना चाहता हूँ, पहले इसको देना चाहता हूँ, फिर आपका कमांडर के लिए आ रहा है, फिर यहाँ पे आपको फायर सर्विस के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से आपको जो वैकेंसी इसके लिए आप वरीयता देनी है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर। तो फ्रेंड इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ पे आपको बताना है आपके एजुकेशन 10वीं क्लास के बारे में। सबसे पहले जिस बोर्ड से किया जाएगी, मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड से है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, लिस्ट में सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको नहीं मिले तो अन्य बोर्ड में आए तो यूपी बोर्ड में डाल देता हूँ, ठीक है इसमें, ठीक है। तो आपको अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सारे बोर्ड दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे आपका सेंट्रल बोर्ड आ रहा है, ठीक है, एनआईयूएस आ रहा है, तो जो भी आपका स्टेट बोर्ड है सारे यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अगर नहीं मिलता है तो आपको उस तरीके से जाकर यहाँ पे आप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड आपका तमिलनाडु आ रहा है, तो जो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, आपको स्टैंडर्ड 2008-11 जो भी है आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप दे सकते हैं। मंथ और ईयर पासिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पे मैं कर लूंगा। इसका रोल नंबर है, सर्टिफिकेट आपका जो है आपको अपने सर्टिफिकेट में दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 12th का नाम आ रहा है, 12th का यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। मंथ और ईयर पासिंग, रिजल्ट आपका क्या सा पास, रोल नंबर यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे आपको जानकारी देनी है सर्टिफिकेट की जानकारी। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, आपने क्या कर रखा है, जैसे बीटेक बीएससी है जो भी कर रखा है तो उसके बारे में दे सकते हैं। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी को देख लेता हूँ, जो भी मेरी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर लूंगा। रोल नंबर है, और उस तरीके से यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना है। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन की यहाँ पे जानकारी देनी है, आपका यहाँ पे बता रखा है ओ लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर में है, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा रहा है क्या आपके 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रौद्योगिक सेना में काम किया, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपको राष्ट्रीय क्रेडिट कोड के सर्टिफिकेट, यस या नो कर सकते हैं। ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो कर। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए यूपी का जो आ रहा है आपका यूपी का रहेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा,
बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, तो इसको सेलेक्ट कर लें, जो लोगों का अपनी मार्कशीट पे एक बार चेक कर लें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप करें। तो मंथ ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको उसको देना है, तो ये मैंने आपको बताने के लिए कर दिया है, तो भी आपका इसी तरीके से सेलेक्ट कर लें अपना, ठीक है। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए अपनी डिटेल दिखाई देगी, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने, देखिए साइज दे रखा है 11 से 30 केबी का आपका साइज रहेगा, उसको अपलोड कर दें, ठीक है, जो कि किसी भी हाल में आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। फिर फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यहाँ पे आपको 5 से 10 केबी के बीच का होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिग्नेचर अपलोड कर दूंगा, फिर हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन रह जाएगा, ठीक है, उसका प्रीव्यू। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, मैंने सेव एंड कंटिन्यू फिर से क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, यहाँ पे आपको देखिए हाई स्कूल का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको दे 12th का, यहाँ पे आपको स्नातक का, ग्रेजुएशन का, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट का यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए अपलोड से पहले यहाँ पे आपको दे सकते हैं 50 से 600 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए आप अपलोड कर सकते हैं PDF, JPG आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपको अपलोड करेंगे, चूज फाइल करेंगे, यहाँ पे उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपलोड कर पाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट को फ्रेंड। तो ये जानकारी थी किस तरीके से आपको यूपी की पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की वैकेंसी निकली, इसके लिए आप किस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो था। ये फ्रेंड यह वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज जरूर बताएं। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, डेली आप लोगों को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी या वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर हम कुछ पूछना चाहते हैं, किसी टाइप की आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया लिंक पर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने धन्यवाद।